और शरीर के नाम का नाम होगा, अपने को क्या मिला, कितनी ऊंची समझ, ये काम कर लिया तो बस हो गया। कि तुम गुलाम के कहने में हो कि गुलाम तुम्हारे कहने में। मूर्ख लोग ऐसा मानते कि भगवान ने दुनिया बनाई और कोई कमी रख दी भगवान ने, भगवान की अक्ल कुछ कम है तो हम दुनिया को सुधार देंगे। सुधारक ऐसा सोचते होंगे कि हम संसार को सुधार दें। महापुरुष शुकदेव जी, व्यास जी, ये संसार को सुधारने का नहीं करते, उनका तो सहज कारुण्य भाव है। संसार को सुधारना अथवा किसी व्यक्ति को सुधार रहा हूं, ऐसा उन महापुरुषों में नहीं होता। आप हाथ पैर धो रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि हाथ पैर को सुधार रहा हूं? आप संस्कार करते हैं, परिमार्जन करते हैं, हीनांग पूर्ति भी करते तो क्या लगता है कि मैं ये कर रहा हूं? नहीं, स्वभाव। ऐसे पुरुषों के द्वारा ही मंगल होता है। जो सुधार का ठेका लेते अथवा सुधार के नाम से वाहवाही के गुलाम बनते, वे तो अपना ही बिगाड़ करते, तो दूसरे का सुधार क्या करेंगे? मिल जाए, सत्ता मिल जाए, वाहवाही मिल जाए तो देह अध्यास में रहेंगे ना। देह अध्यास में ही वाहवाही की भूख होती। मेरा नाम हो जाए, मरने वाले शरीर के नाम के पीछे मरे जा रहे। बहुत ऊंची समझ के धनी हुए थे पथिक जी महाराज। बोले नाम का नाम होगा, जिस शरीर का नाम रखा उसका नाम होगा, शरीर को आराम मिलेगा, अपने को क्या मिला? जलाने वाले शरीर को थोड़ा आराम मिल गया, अथवा शरीर के नाम का नाम होगा, अपने को क्या मिला, कितनी ऊंची समझ। तो व्यर्थ समय खोने को नहीं है। 1 करोड़ रुपया दे दोगे तो बीवी 1 मिनट आयुष्य नहीं बढ़ा सकेगा कोई, ऐसा कीमती तुम्हारा समय। उस समय को तुम कहां खो रहे हो? सुखदेव जी के नाई इंद्रिय संयम मन की एकाग्रता करके बुद्धि को परमात्मा में लगा रहे हो कि इंद्रियां जहां कहती है, मन जहां कहता है, बुद्धि जहां भटकती है वहां भटक रहे हो। अपने अंदर में गोता मार के देखो कि बुद्धि सासू में भटकती है कि बहू में भटकती है कि इधर भटकती है कि उधर भटकती है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखाणाम सर्व रोगाणाम सर्व दोषाणाम। प्रज्ञा के अपराध से सारे रोग, सारे दुख, सारे दोष आ जाते। इसलिए प्रज्ञा को भगवत प्रसाद जा बनानी चाहिए। तो रजोगुण से तमोगुण को दूर करे और सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण को जीत ले, और फिर सतोगुण भी सत्व स्वरूप भगवान में विश्रांति पाकर भगवत प्रसाद जा बुद्धि कर। भगवत प्रसाद जा बुद्धि के बाद दुख नहीं होते। हुआ तो पानी में लकीर जैसा, फिर तत्व प्रसाद जा बुद्धि। ये काम कर लिया तो बस हो गया। बुद्ध किसी को कहने नहीं जाते कि मेरे नाम का प्रचार करो। बुद्ध ने तो यहां तो कह रखा था कि मेरा चित्र नहीं रखना, कहीं फोटो नहीं रखना। और धरती पर बुद्ध की जितनी प्रतिमा है उतनी शायद किसी की होगी। उस शील में भी बड़ी ताकत होती।
प्रह्लाद शीलवान थे और इंद्र वेश बदलकर प्रह्लाद के सेवक हो गए थे। वो शील का दान लेने के लिए वे स्वामी प्रसन्न हो गए तो शील दे देंगे। किसी का बुरा न सोचना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। फिर माँ छाती पे बैठ के दवा पिलाती है तो उसे अपराध नहीं होता, पिता ताड़न करता है तो उसे अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। तो मूर्ख बच्चे माँ बाप की ऊंचाई को नहीं समझते, स्कूल से भाग जाएंगे, घर से भाग जाएंगे। हर 10 सेकंड में एक लड़का स्कूल से भाग जाता है अमेरिका, घर भी नहीं रहता, स्कूल भी नहीं रहता, आवारा हो जाता। हर 16 सेकंड में ड्रग्स के नशे वाले संपर्क से दूसरा लड़का भागता है। हर 32 सेकंड में कुछ उम्र लायक लड़के लवर लवरी के चक्कर में स्कूल से भाग जाते हैं, क्रिमिनल होके फिर मरते मारते। हर 48 या 42 सेकंड में चौथे प्रकार का लड़का, अर्थात एक मिनट में 4 लड़के हो गए, तो एक घंटे में कितना हुआ, 240। 24 घंटे में कितने लड़के आवारा हो जाते। और उठाए पिस्तौल, धार 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 कर दिया। पुलिस पकड़ती, बोले तुम पर केस होगा, तुमने मर्डर कर दिया है। बोले व्हाट हो मीनिंग द मर्डर, आई डोंट नो। अरे तुमने 5 मर्डर कर दिया। बोले मैंने तो टीवी में देखा था, तो देखा में निशान ठीक लगता है कि नहीं, मैंने ट्राई किया, बस इसमें क्या हो गया। इतने मनमुख और हवाई छोरे, दुनिया के धनाढ्य लोग 25 इस समय अमेरिका ने घोषित किए, 25 लोग। उन 25 में सबसे ज्यादा धनाढ्य बिल गेट्स, कंप्यूटर कि जो बड़े बड़े प्रोग्रामिंग और बड़े बड़े कंप्यूटरों की कंपनी का वो मालिक है बिल गेट्स, उससे पूछा गया कि अमेरिका का भविष्य क्या है। बोले भविष्य तो ये है, आने वाला जनरेशन दिशा शून्य है, 1 घंटे में 240 लड़के हमारा गर्दी हो जाते, उस देश का क्या भविष्य बताऊंगा। तो हिंदुस्तान में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस परंपरा का जो हिस्सा है उसी कारण अपने बच्चे चमक रहे हैं। जिन्होंने भी माना है वे थोड़े श्रमी रहे, परिश्रमी रहे, श्रमी संयमी कुछ सदाचारी रहे, तभी ऊंची पोस्ट पे जाता आदमी। अमेरिका के युवक इधर आकर ऊंची पोस्ट पर बैठ जाए मुश्किल है, इधर वाले उधर पहुंच जाते कितना मुश्किल है। बड़े देश का इधर आकर भी छोटे
बोलते हैं गरीब देश है तो गरीब देश में भी ऊंचे परिश्रम के बल से नहीं पहुंचते, भले दूसरे ढंग से कोई आ जाए। तो जितना जितना इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, बुद्धि परमात्मा में विश्रांति, उतना उतना आदमी हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। इंद्रिय संयम के बिना श्रम रहित विश्राम नहीं मिलता, आलस हो जाता है, निद्रा हो जाती। नबी से बैठे विश्राम, मन इधर उधर गया, ओ कुछ ना करना, भगवत विश्रांति। भगवत विश्रांति से भगवत सामर्थ्य आता है। भगवत सामर्थ्य आए ऐसी इच्छा से भगवत विश्रांति नहीं मिलेगी। जैसे नींद करना सबके लिए सहज है, नींद करने में सबका अधिकार है, श्वास लेना सबका अधिकार, ऐसे परमात्मा में विश्रांति पाना, परमात्मा प्राप्त करना सबका अधिकार है। लेकिन अब आगे विषय, इंद्रियां और शरीर को मैं मानकर इसमें बड़ा होने की जो बेवकूफी है बुद्धि में, उसने लोगों को तबाह कर दिया। खप गए बेचारे, देहाध्यास। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधे। देहाध्यास भीतर से गल जाए, परमात्मा विश्रांति मिल जाए, फिर जहां जहां मन जाए समाधि। तब तक मन के कहने में नहीं आना चाहिए जब तक ब्रह्मवेता गुरु ने हमको गुणातीत नहीं बनाया। हमारे बाल बढ़ जाते, दाढ़ी बढ़ जाती तो हम गुरु जी को चिट्ठी लिखते कि बढ़ गए, खुजली होती गर्मी में, आज्ञा हो तो मुंडन करा दो, नहीं तो थोड़ी छटाई करा दो। तो गुरु जी चिट्ठी भिजवाते, तब मैं फिर बाल मुंडन की आज्ञा आती तो मुंडन करा था, और थोड़े कम करा लो तो कम करा लेता। अगर मन में आता ऐसे ही करने लग जाता दिशा में, तो दिशा में तो और लोग भी रह रहे हैं, और गुरु जी के तो और लोग भी शिष्य थे, कहने को शिष्य थे लेकिन मन के ही गुलाम थे। हमने कहा ये तो गुलाम के गुलाम बने, इससे तो गुरु का गुलाम बनाओ मन को। मन तो अपना गुलाम है, लेकिन वो मन जो कहे ऐसे ही करने लगे तो गुलाम के ही गुलाम बनते ना। सभी लोग गुलामों के गुलाम है। कोई बिरला है भाई का लाल, राज दरबार चल रही थी और मस्त संत आकर सामने, राजा के सामने टांग पट टांग छड़ा कर बैठ गए। तो राजा को बुरा लगा, लेकिन वो जमाना इतना हलकट नहीं था कि महात्माओं की कोई जल्दी से निंदा कर ले, महात्माओं की अवहेलना कर ले। मंत्री को बोला कि महाराज जी को प्रार्थना करो कि राज दरबार है, यहां जरा टांग पे टांग चढ़ा के राजा के सामने बैठना, राज दरबार का अपमान माना जाता है, महाराज जी को विनती करके आओ। तो मंत्री गया महाराज को बोला, तो महाराज ने कहा राजा से पूछो कि वो गुलाम के कहने में है कि गुलाम उसके कहने में। राजा अगर सचमुच में गुलाम राजा के कहने में है तो सचमुच में राजा है, लेकिन राजा गुलाम के कहने में चलता है तो फिर
जरा पूछ क्या हो। और राजा भी कितना ईमानदार रहा होगा। महात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम गुलाम के कहने में हो कि गुलाम तुम्हारे कहने में। तो राजा ने देखा ये तो मेरे को तुझे सम्मान में आता ऐसा करता हूं। तो राजा सिंहासन से खड़ा हुआ महात्मा के पास आया, बोले महाराज गुलाम के कहने में मैं चलता हूं। तो बोले राजन तो तुम तो गुलाम के गुलाम हुए, फिर मेरे पर तुम्हारा हुक्म कैसे चलेगा बोलो। मेरे कहने में गुलाम है अर्थात मन मेरे कहने में और आप मन के कहने में। राजा कुल पुण्य आत्मा था, सत्वात्रक को लग जाता है, अपने को सुधारने में लग जाता है, लेकिन जो वासना का गुलाम होता है ना उसको लपते हुए भी टिकता नहीं, वासना उसको उड़ा उड़ा के ले जाती। राजा ने कहा जब महाराज हम गुलाम हैं तो राज क्या करें, इस सिंहासन पर तो आप ही विराजे, हम आपके चरणों में, हमें दीक्षा दीजिए और जंगल भेजिए, इंद्रियों को संयत करूंगा, मन को धीरे धीरे लगाम डालने की जो विद्या होगी आपकी, फिर अपने आत्मा परमात्मा में समता में आकर श्रम रहित अहंकार रहित शोक रहित जन्म मृत्यु से पार पद में पहुंच जाओ महाराज। राजपाट की बलि दे दी लेकिन अपनी आत्मा की बलि नहीं थी। अब संसारी लोग क्या करते कि आत्मा की तो बलि देते थे और राजपाट धन मकान नौकरी खप गए उसमें। आत्मा परमात्मा को पाए बिना दूसरी चीजों में लग जाते हैं वो समझो आत्मा परमात्मा की बलि दे रहे हैं, तो उन्हीं की बलि चढ़ती रहती है 84 लाख जन्मों में।